नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद मैथिली न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज की पहली खबर ये है कि हमारे अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने जो मुख्यमंत्री आवास उनको मिला था जब वो मुख्यमंत्री बने थे, अभी तक उनके पास हैं। दीदी की बात यह है कि भारत के अधिकांश पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपना आवास अभी तक नहीं छोड़ा है। बात को ठीक से बताइए, मुख्यमंत्रियों को तो आवास मिलता ही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आवास मिलता है। और इस तरह कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास दो दो आवास हैं। हाँ, कुछ मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो दो दो राज्यों के मुख्यमंत्री बने, जैसे कि नारायण दत्त तिवारी, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री बने और दोनों ही जगह उनका बंगला है। और एक बात मैं बता दूं, वैसे तो सभी राजनीतिक दलों के विचार एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन वोट और बंगले के मामले में सभी राजनीतिक दल एकमत हैं। और ये बात जग जाहिर है कि वोट और बंगले के लिए ये मुख्यमंत्री लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आवास नहीं छोड़ने वाले मुख्यमंत्री किसी खास एक दल की नहीं है। भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जिनके मुख्यमंत्री बने हैं, सब के सब अपना आवास पे कब्जा किए हुए हैं और वो मुख्यमंत्री निवास में रह रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनका मुख्यमंत्री वाला आवास खाली करने का आदेश दे दिया है। मैं आपको उन मुख्यमंत्रियों का नाम पढ़कर सुनाता हूँ। ये हैं मुलायम सिंह यादव, मायावती, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, राम नरेश यादव और एनडी तिवारी। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि मुख्यमंत्रियों को उनका आवास छोड़ना पड़ेगा, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाला है। भारत के कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपना आवास नहीं छोड़ा है। उत्तर प्रदेश के 6 मुख्यमंत्रियों के नाम तो शुभ नारायण जी ने बता दिया आपको, बाकी प्रदेशों के नाम जरा मैं बता दूं आपको। बिहार से हैं लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी, सतीश प्रसाद सिंह, नीतीश कुमार। और हाँ, ये सतीश प्रसाद जी वो मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ 4 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे और अभी भी तसल्ली से अपने आवंटित मुख्यमंत्री के आवास में रह रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए कौन कौन लोग हैं, मैं जरा देखूँ। उमा भारती, दिग्विजय सिंह, कैलाश जोशी, मोतीलाल बोरा, सुंदरलाल पटवा, बाबूलाल गौर। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं जिसमें भगत सिंह कोशियारी, विजय बहुगुणा, एनडी तिवारी, जो जिनका मुख्यमंत्री आवास उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, बीसी खंडूरी, रमेश पोखरियाल। झारखंड के मुख्यमंत्रियों में अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, अशोक गहलोत। पंजाब के हैं राजेंद्र कौर भट्टल, सुरजीत सिंह बरनाला। आसाम के तरुण गोगोई, प्रफुल्ल कुमार मानता न जाने कब मुख्यमंत्री थे, इन लोगों ने अपने अपने बंगले नहीं छोड़े हैं। लेकिन जनता के वोट पर तमाम जिंदगी ऐश करने वाले इन मुख्यमंत्रियों को आप लानत भेजें या सलाम करें, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन वो अपने बंगले में तो ऐश करेंगे ही। आपको एक बात और बता दें, आज एक अच्छी खबर आई है, एक बहुत ही प्रेरणादायी खबर है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने सोशल साइट्स पे बयान दिया है और वो बयान ये दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद से मुक्त होना चाहती हैं और वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि जब भी कोई नेता 75 साल की उम्र में आता है या 75 साल का होता है तो वो राजनीति छोड़ देता है। मरता क्या न करता, उनके ऊपर तो पहले से ही तानाशाही का आरोप लगता ही रहा है, पार्टी के अंदर असंतोष है ही, अब वो अपना पल्ला झाड़ करके दूसरे के ऊपर चुपचाप निकलना चाहती है। और जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब की बार जो रामलीला मैदान में रामलीला होने वाली है उसमें भाग लेने वाले हैं सांसद अभिनेता मनोज तिवारी और पराजित सांसद अभिनेता रवि किशन और विदेशी अभिनेत्री क्लोडिया। हाँ हाँ, और थोड़ा सा इसको और मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। अभिनेता रवि किशन जो हैं वो केवट की भूमिका करेंगे, अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी जो हैं
वो अंगद की भूमिका अदा करेंगे और क्लाउडिया जो है वो रति की भूमिका में रहेंगी। इस बार का रामलीला का रंग सर चढ़ के बोलेगा, आप सबको इंतजार रहेगा, इंतजार कीजिए। जय हिंद मैथिली न्यूज में आज इतना ही, नमस्कार।